हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मानते ट्रेवल गाइड पर। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम निकल गए हैं चंडीगढ़ से देहरादून के लिए। देहरादून इज द कैपिटल सिटी ऑफ उत्तराखंड, तो आइए आपको लेकर चलते हैं द ब्यूटीफुल सिटी देहरादून। चंडीगढ़ से देहरादून 170 किलोमीटर है, हमें वहाँ पहुँचने में लगभग 5 घंटे लगने वाले हैं। आपको वहाँ पर देहरादून के जो अच्छी अच्छे टूरिस्ट प्लेसेज हैं वो विजिट कराते हैं, तो चलिए चलते हैं। दोस्तों, हम नाहन पहुंचने वाले हैं। नाहन भी हिमाचल प्रदेश का एक टूरिस्ट प्लेस है, अच्छा हिल स्टेशन है। हम यहाँ पर एक छोटा सा होल्ट ले रहे हैं, चाय वाय पियेंगे, थोड़ा नाश्ता करेंगे और फिर यहाँ से निकलेंगे। और ये थोड़ा सा समय मिलते ही मैडम ने मेकअप स्टार्ट कर दिया है। दोस्तों, सबसे पहले हम आए हैं बुद्धा टेंपल। ये काफ़ी अच्छा बौद्ध धर्म का टेंपल है, यहाँ पर काफ़ी शांति है। बौद्ध धर्म वैसे भी शांति का प्रतीक है। ये हमारे पीछे आपको दिख रहा होगा, पूरी मोनेस्ट्री है ये। यहाँ पर एक स्कूल भी है जहाँ पर छोटे छोटे बच्चे बुद्ध धर्म की शिक्षा लेते हैं। अभी मैं आपको ये पूरा विजिट कराता हूँ। फ्रेंड्स, अब हम मोनेस्ट्री बुद्धा टेंपल से सहस्त्रधारा के लिए निकल गए हैं। रास्ता बहुत अच्छा है, सारा साइड्स में पहाड़ों का व्यू है। सहस्त्रधारा में सल्फर वाटर बहता है जिससे कि जो स्किन की कुछ बीमारियां होती है वो ठीक हो जाती हैं, ऐसा कहा जाता है। तो हम जाके देखते हैं कैसा वाटर है और कितना पानी है नहाने के लिए है। ये जो पानी आ रहा है ये नॉर्मल पहाड़ों से पानी आ रहा है। ये देखो दोस्तों, ये वो सल्फर वाटर है जो इस पहाड़ से बारिश के रूप में गिर रहा है। अब मैं यहाँ इसके नीचे यहाँ बैठ के नहाने वाला हूँ। और ये मनी सल्फर वाटर में नहा रहे हैं। ये देखो, ये बिल्कुल नेचुरल सल्फर वाटर स्प्रिंग है। अब चलते हैं प्राकृतिक गुफाओं की तरफ। ये प्राकृतिक गुफाएं हैं दोस्तों, ये देखो इनके अंदर भी सल्फर वाटर भरा हुआ है। इस तरफ है द्रोण गुफा और शिव मंदिर।
ये है प्राचीन द्रोण गुफा दोस्तों। जय शिव शंकर, बम बम भोले। द्रोण गुफा दोस्तों, अब हम आ गए हैं गुच्चू पानी रोबर्स केव। आपको दिखाते हैं गुच्चू पानी रोबर्स केव में क्या है। यहाँ पे बताते हैं गुफा में अंदर झरने बहते रहते हैं, पानी चलता रहता है। अभी जाके देखते हैं अंदर क्या है। और ये है गुच्चू पानी रोबर्स केव। पहले यहाँ से 25 रुपए की टिकट लेनी है, उसके बाद अंदर जाके देखते हैं नदी में क्या है, गुफा में क्या है। टू टिकट्स। हम रोबर्ट केव में आ गए हैं। ये है दोस्तों गुच्छू वाला, जिसको बोलते हैं रोबर्स केव। काफी मजेदार जगह है, भीड़ भी काफी है, काफी पर्यटक आए हुए हैं। ये इन पहाड़ों के बीच से पानी बह रहा है और कुछ गुफा टाइप बना हुआ है, लेकिन ऊपर से खुला है, पूरा कवर नहीं है। जैसे पानी काट देता है ना पहाड़ को बीच से, ऐसा कुछ है। ये देखो दोस्तों कहाँ से पानी आ रहा है पता नहीं, काफ़ी ज़बरदस्त जगह है। आपको मैं तो ज़रूर रिकमेंड करूँगा यहाँ आना ज़रूर। ये है असली गुच्छू पानी रोबर्स केव। हम घुस गए हैं अंदर दोस्तों। डर भी बड़ा लग रहा है। वो देखो कहाँ तक घुसे हुए हैं दोस्तों। ये काफी जबरदस्त जगह है। ये गुच्छू पानी रोबर्स केव जो है ना, ये उस साइड से लेके उस साइड तक क्रॉस पूरी पार करनी होती है। 4 किलोमीटर लंबी है। आप अपने 2-4-5 दोस्तों के साथ आओ, अकेले में बहुत डर लगता है। मैं पार नहीं कर रहा हूँ क्योंकि टनी आगे नहीं आई और मैं भी ज़्यादा आगे नहीं जा रहा हूँ, मेरे को वापस जाना है। लेकिन 4-5 दोस्त अगर मिलके आओगे, साथ में एक बैकपैक लेके आओ खाने पीने का, बड़ा ही मस्त माहौल है यहाँ पर। कहीं कहीं अंधेरा आता है, कहीं कहीं काफ़ी ऊंची है, कहीं काफ़ी नीची है। आपको ऐसे ऐसे झरने भी देखने को मिलेंगे। ये देखो आना जरूर दोस्तों, बड़ी जबरदस्त जगह है। दोस्तों बड़ा ही जबरदस्त एक्सपीरियंस रहा। अपने
ग्रुप में यहाँ पर आप जरूर आना, अगर देहरादून आओ तो मस्ट विजिट प्लेस है ये। इतना मज़ा, इतना एडवेंचर मैंने आज तक किसी भी जगह पे नहीं देखा है, बड़ा ही मज़ा आया है यहाँ पे। दोस्तों अभी शाम हो चुकी है, 6:30 का टाइम हो चुका है, अभी हम घंटाघर घूमने जा रहे हैं और उसके पास ही पलटन बाजार है जहाँ से हम लोकल कुछ शॉपिंग करेंगे। पलटन बाजार भी काफ़ी अच्छा बताते हैं, फेमस मार्केट है देहरादून की। चलो आपको भी दिखाते हैं कैसा है, हम भी कुछ शॉपिंग कर लेते हैं। ओके बाय। दोस्तों घंटाघर चौक पहुंच चुके हैं, ये हमारे पीछे आपको दिख रहा होगा ये क्लॉक टावर, यही घंटाघर चौक है। इसके ठीक सामने आपको पलटन बाजार मिलेगा, वहाँ से आप थोड़ी बहुत शॉपिंग कर सकते हो। अभी हम वहीं जा रहे हैं, वो भी आपको दिखाते हैं कैसा है। टनी ने सारा सब कुछ खरीद लिया है और अभी हम वापस होटल में जा रहे हैं डिनर करके, अब सोना है। कल देखते हैं कल कहाँ का टूर बनता है, कल शायद एक टपकेश्वर मंदिर है यहाँ का, वो भी बहुत फेमस है, कल वहाँ कोशिश करेंगे आप सबको वहाँ लेके जाएं और दिखाएं आपको टपकेश्वर मंदिर कैसा है। अभी के लिए बाय बाय।